तो नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड फॉर पोटेंशियोमीटर। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल, जो बेसिक मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर पोटेंशियोमीटर के लिए, उसको दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है हमारे लिए यूज़ करते हैं हम लोग वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर, एक होता है नॉन वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर। तो अगर वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे, एक होगा हमारा प्लेटिनियम यूज़, प्लेटिनियम, निकिल क्रोमियम और निकिल कॉपर। कौन कौन से? प्लेटिनियम, निकिल क्रोमियम, निकिल कॉपर और अदर प्रीसियस रेजिस्टेंस एलिमेंट, जिसमें कि ऐसे पोटेंशियोमीटर जो कि कैरी करेंगे रिलेटिवली लार्ज करंट एट हाई टेम्परेचर, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होगी लार्ज करंट एट हाई टेम्परेचर। उसी के साथ देयर टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज यूजली स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20-20 - 6 डिग्री सी या लेस। ये टेम्परेचर कोफिशेंट की वैल्यू रहनी चाहिए रेजिस्टेंस की। और इनका जो रिजोल्यूशन होगा वो इज़ अबाउट 0.025 से लेकर 0.05 mm तक होगा एंड इज़ लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ टन्स दैट कैन बी एक्यूमेंटेड ऑन द बॉडी। और रिस्पॉन्स जो होगा इज़ लिमिटेड अबाउट 5 Hz और मैक्सिमम स्पीड जो होगी विद द विच अ वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर मे बी टर्न इज अबाउट 300 RPM। तो दिस इज द वायर वाउंड में आपको बस इतना याद रखना है प्लेटिनियम, निकिल क्रोमियम, निकिल कॉपर और अदर पीसीज एलिमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं नॉन वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर की। तो नॉन वायर में हम लोग बेसिकली जिनको हम लोग बोलते हैं आल्सो कंटिन्यूस पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस पोटेंशियोमीटर। तो इसमें मटेरियल हम यूज़ करेंगे सिरमेट हॉट मोल्डेड कार्बन, कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म। कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म, ये पोटेंशियोमीटर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें क्या? इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन एंड लाइफ, इम्प्रूव्ड रिजोल्यूशन एंड लाइफ। जो कंटिन्यूस पोटेंशियोमीटर होता है मे बी टर्न एट द स्पीड ऑफ 2000 RPM। यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 RPM और इस यहाँ पे कितना था हमारा RPM? 300 RPM। लेकिन नॉन में क्या होना जाएगा? 2000 RPM। तो दीज आर द मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज एंड हैव अ हायर वाइपर कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस विच इज कैरीड एंड कैन कैरी मॉडरेट करंट्स। तो अब हम लोग पोटेंशियोमीटर का नेट पे देखते हैं अदर इमेजेस, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर आउट हो जाएगा। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर्स तो स्क्रीन पर आपके विजिबल होगा पोटेंशियोमीटर। तो इसको ध्यान से आप देखोगे तो आपको इस तरह की इमेजेस मिलती हैं पोटेंशियोमीटर की, जिनको आप देख सकते हो यहाँ पर कि ज़्यादा पोटेंशियोमीटर इमेज वाले सेक्शन में जाते हैं हम लोग। तो दी ज़्यादा पोटेंशियोमीटर इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने अभी PDF में चीज़ों को पढ़ा था। और वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर, नॉन वायर पोटेंशियोमीटर्स, इनके बारे में देखा। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है तो आप इनका डायग्राम देख सकते हो पोटेंशियोमीटर का, इनकी वायरिंग आप देख सकते हो। ये बेसिकली इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में,
दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पोटेंशियोमीटर, इस तरह से यूज कर जाता है वेरियस डायग्राम्स। ये देख सकते हो ओम ओम ब्रेडबोर्ड कॉम्पेटेबल पोटेंशियोमीटर आप ये देख सकते हो। तो अब आपने ध्यान दिया होगा कि पोटेंशियोमीटर किस तरह से होते हैं, आपने इनको इनके यूटिलिटी देखा होगा, इनको यूज़ करते हुए देखा होगा पोटेंशियोमीटर्स। दीज आर द इमेजेस जो कि मैं पोटेंशियोमीटर्स आप देख सकते हैं इस तरह से। तो दिस वन इज द टिपिकल सिंगल टन पोटेंशियोमीटर जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल आप दे सकते हो आईसी स्टैंडर्ड डायग्राम में मेंशन है और ईएनएसआई स्टैंडर्ड आप यहां पर दे सकते हो। दिस इज अ टिपिकल सिंगल टन पोटेंशियोमीटर आप यहां पर दे सकते हो। यहां पर थ्री नॉब्स निकली हुई है, दिस इज द थ्री टर्मिनल रजिस्टर, यहां पर दिस इज द थ्री टर्मिनल रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आप जानते हो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पोटेंशियोमीटर इज अ थ्री टर्मिनल रजिस्टर विद अ स्लाइडिंग और रोटेटिंग कॉन्टैक्ट दैट फॉर्म्स अ एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। किस लिए यूज़ करते हैं? एज अ वोल्टेज डिवाइडर। और इफ ओनली टू टर्मिनल्स आर यूज वन एंड एंड द वाइपर इट एक्ट एज अ वेरिएबल रजिस्टर्स या रीस्टोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री टर्मिनल रजिस्टर्स और टू टर्मिनल आर यूज, वन एंड इज अपर एंड अदर इज वन एंड एंड द वाइपर इट एक्ट एज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड रीस्टोर्ड। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड अ पोटेंशियोमीटर जो कि पोटेंशियोमीटर जैसे कि आपको बताया था एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरिंग करता है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बाई कंपेरिजन ऑफ अननोन वोल्टेज विद अ नोन रेफरेंस वोल्टेज। ये जो है वो सेंसिटिविटी सेंसिटिव होते हैं इंडिकेटिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज वेरी लिटिल करंट के साथ ही इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ अननोन वोल्टेज। जैसे कि बताया था मैंने आपको यूज़ फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द कंपोनेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम प्रिंसिपल हैंस इज द सेम। तो पोटेंशियोमीटर आपने देखा पोटेंशियोमीटर आर द कॉमनली यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज अ वॉल्यूम कंट्रोल्स ऑन ऑडियो इक्विपमेंट। अगर पोटेंशियोमीटर का हम लोग जनरली यूज़ किस लिए करते हैं? पोटेंशियोमीटर का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए? कंट्रोल करना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जिसमें कि वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ ऑन ऑडियो इक्विपमेंट जो भी आपके ऑडियो इक्विपमेंट है उनमें अगर हमें साउंड यानी ऑडियो को कम करना है या ज़्यादा करना है तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होते हैं वो ऑपरेटेड बाय द मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड एज अ पोजीशन ट्रांसड्यूसर्स। पोटेंशियोमीटर किस तरह से ऑपरेट करते हैं? पोटेंशियोमीटर ऑपरेटेड बाय अ मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड एज अ पोजीशन ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर के बारे में जैसा आपको बताया था या डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यूज़ करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ स्टिक दैट पिवोट्स ऑन द बेस एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल या डायरेक्शन। यह इस तरह से ये पूरा हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं जॉयस्टिक के द्वारा। और पोटेंशियोमीटर आर रेयरली यूज टू फॉर डायरेक्टली कंट्रोल सिग्निफिकेंट पावर। देख सकते हैं यहाँ साफ साफ मेंशन है डायरेक्टली कंट्रोल द सिग्निफिकेंट पावर सिंस द पावर डिसिपेटेड इन द पोटेंशियोमीटर वुड बी कंपेरेबल द पावर इन कंट्रोल लोड। तो आपने यहाँ पर देखा डायग्राम को और समझा कि पोटेंशियोमीटर क्या है, कितना ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कंस्ट्रक्शन व्यू होता है पोटेंशियोमीटर का, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पोजीशनिंग किस तरह से उसको फिट करते हैं। ए शाफ्ट अगर यहाँ पे
बी हमारा यहाँ पर स्टेशनरी कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस एलिमेंट यूज़ करें, सी आपका फॉस्फोरस ब्रोनेज वाइपर, और डी हमारा साफ्ट अटैच टू वाइपर, यहाँ पे दे सकते हैं। ई और जी हमारा क्या है यहाँ पर है? टर्मिनल है, जैसा कि भी डायग्राम में देखा था आपने, एंड एफ इज़ द टर्मिनल कनेक्टेड टू वाइपर। अब मैकेनिकल स्टॉप के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एच, यहाँ पर मैकेनिकल स्टॉपर है। दिस वन द सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर विद मेटल कास्टिंग रिमूव टू एक्सपोज वाइपर कॉन्टैक्ट एंड रेजिस्टिव ट्रैक, ये हमारा ये होता है सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर। किस तरह से होता है? पीसीबी माउंट जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, पीसीबी माउंट ट्रिमर पोटेंशियोमीटर, इनको हम लोग बोलते हैं पीसीबी ट्रिमर पोटेंशियोमीटर। ये ट्रिमर वर्ड यूज़ किया जाता है इनके लिए। इज अ मिनिएचर एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इट इज़ मीन्ड टू सेट करेक्टली व्हेन इंस्टॉल इन सम डिवाइसेस। तो दिस इज़ द पीसीबी माउंट ट्रिमर पोटेंशियोमीटर, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जो होता है ये होता है। रेजिस्टेंस पोजीशन रिलेशनशिप टेपर, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द डायग्राम। लीनियर टेप पर पोटेंशियोमीटर, जैसे कि अभी बताया था आपको लीनियर पोटेंशियोमीटर के बारे में, लॉगरिथम पोटेंशियोमीटर होता है। रीस्टोर जो कि आपको पता है रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए यूज़ करते हैं। हाई पावर वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर, ये है इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। डिजिटल पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं जो माइक्रोप्रोसेसर और अलग से FGPA या इन सब यूनिट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ द FGPA, दैट इज़ फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे सिस्टम इन IC इंजन। तो बेसिक एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो सबसे अधिक एप्लीकेशन जो यूज़ होता है पोटेंशियोमीटर का, वो ऑडियो कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं लो पावर पोटेंशियोमीटर, बोथ साइड एंड रोटरी, साइड एंड रोटरी का आपको मैं डायग्राम दिखाया था, और आर यूज टू कंट्रोल ऑडियो इक्विपमेंट, चेंजिंग लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। यहाँ पर आप साफ साफ मेंशन है कि ऑडियो कंट्रोलर किस तरह से हमारा परफॉर्म करता है पोटेंशियोमीटर। उसके बाद टेलीविजन में लगता है, जैसे टेलीविजन वायर पोटेंशियोमीटर्स वर फ्रिक्वेंटली फॉर्मली यूज टू कंट्रोल पिक्चर ब्राइटनेस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रास्ट कुछ के लिए यूज़ करते हैं, कलर रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है को क्या पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वॉज ऑफन यूज टू एडजस्ट वर्टिकल होल्डिंग पोजिशन विच अटैच टू द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द रिसीवर इंटरनल स्वीप सर्किट। मल्टी वाइब्रेटर में भी पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है, जो कि रिसीव करता है पिक्चर सिग्नल्स को और अदर सच एज ऑडियो वीडियो, जो कैरियर ऑफसेट होता है, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी जो कि आप वीडियो में यूज़ करते हो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना, इट ऑल्सो हेल्प्स द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑफ वेव। तो आपने देखा ऑडियो कंट्रोल के लिए, टेलीविजन के लिए, और नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, दैट इज़ योर मोशन कंट्रोल के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़। पोजीशन फीडबैक मैक डिवाइस के रूप में किया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट क्लोज लूप कंट्रोल इन सच इन अ सर्वो मैकेनिज्म का भी यूज़ करते हैं, जो कि द मैथड ऑफ मोशन कंट्रोल यूज इन द DC मोटर इज द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ मेजरिंग द एंगल स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ट्रांसड्यूसर्स में यूज़ होता है, जैसे कि बताया पोटेंशियोमीटर हमारा एक प्रकार ट्रांसड्यूसर्स, आर आल्सो वेरी वाइडली यूज एज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स। आप देख सकते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड बिकॉज ऑफ दे कैन गिव अ लार्ज आउटपुट सिग्नल। कंप्यूटेशन थ्योरी ऑफ ऑपरेशन, और तो ये मैंने आपको बताया पोटेंशियोमीटर के बारे में, और आपने इसको देखा, और साथ ही साथ आपने